हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें शुभ अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है। बता दें कि इन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता है सोए व्यक्ति को ना लांघना। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि कभी भी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर से नहीं लांघना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किसी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर से नहीं लांघना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सोए व्यक्ति को अगर आप लांघ लेते हैं तो इससे क्या होता है। बता दें कि महाभारत के प्रसंग के अनुसार एक बार भीम युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उस समय हनुमान जी ने भीम का रास्ता रोकने के लिए एक वृद्ध वानर के रूप में मार्ग पर लेट गए, जिसकी वजह से उनकी पूंछ ने पूरे मार्ग को बाधित किया हुआ था। वहीं जब भीम उस मार्ग से गुजरे तो उन्होंने पूंछ को लांघा नहीं, बल्कि भीम ने हनुमान जी को पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने दुर्बलतावश पूंछ हटाने से इंकार कर दिया और कहा कि पूंछ लांघ कर चले जाएं। लेकिन भीम ने ऐसा नहीं किया और कहा कि इस संसार में सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है, ऐसे में किसी प्राणी को लांघना यानी कि परमात्मा का अनादर करने जैसा है। जिस वजह से भीम ने हनुमान जी की पूंछ को लांघा नहीं, बल्कि वो स्वयं ही पूंछ हटाने लगे। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं पाए, तो फिर उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को अपना परिचय दिया और विशाल रूप भी दिखाया। साथ ही हनुमान जी ने युद्ध में विजय पाने का आशीर्वाद भी भीम को दिया। कहा जाता है कि भीम ने भगवान हनुमान को ना लांघने के पीछे जो वजह बताई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने भी नियम बनाया ताकि कोई व्यक्ति किसी सोते या लेटे हुए व्यक्ति को लांघ कर ईश्वर का अपमान ना करे। दोस्तों, ये तो हो गया कि सोए हुए व्यक्ति को क्यों नहीं लांघना चाहिए। चलिए आप ये भी जान लेते हैं कि सोने की सही दिशा क्या है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में सिर रखकर सोने से आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से दूर रहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भूलकर दक्षिण में पैर करके ना सोएं, क्योंकि इसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह हानिकारक है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करने से चुंबकीय धारा पैर में प्रवेश करती है और सिर से होते हुए निकलती है, जिससे आपके दिमाग में तनाव बढ़ता है। वहीं दक्षिण के अलावा पूर्व दिशा में सिर करके सोना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिशा में सिर करके सोने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।